आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रो सेक्शन का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले राइटर के बारे में जानना है, उसके बाद एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके राइटर कौन हो जाते हैं ए मैरिज प्रपोजल। तो इसके राइटर हो जाते हैं एंटन चेकव, और ये जो है ए मैरिज प्रपोजल लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या है, बर्थ, इनका जन्म कब हुआ था, बर्थ डेट कब है इनका, तो 9 जनवरी 1860 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ, रसिया में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एंटन चेकव आगे क्या लिखा हुआ है, एंटन चेकव इज ए रशियन प्ले एंड स्टोरी राइटर। इसका मतलब क्या हुआ, एंटन चेकव रसिया के नाटककार और कथाकार थे। ठीक है, अब अगला यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एंटन चेकव बिगेन हिज करियर बाय रिटन कॉमिक स्क्रिच। एंटन चेकव जो है अपने करियर का शुरुआत कॉमिक स्क्रिप्ट लिखने से किए। अब यहाँ पे ये तो हो गई, ये राइटर के बारे में हम लोग एक शॉर्ट में जान लिए। अब चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, सही तरीके से समझेंगे, आपको अच्छे से हिंदी में भी बताएंगे, जिससे आपको समझने में खास करके कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव। लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो है दो दोस्त है, पहला एक लोमोव, दूसरा चुबुकोव। ये दोनों दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और साथ में एक दूसरे का पड़ोसी भी है, यानी नेवर भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लोमोव जो है पहला फ्रेंड जो है, लोमोव जो है नटालिया से प्यार करता है, और नटालिया कौन है, चुबुकोव जो दूसरा दोस्त है उसकी बेटी है। ठीक है, डॉटर है उसका। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लोमोव जो है ये रिच मैन है, काफ़ी अमीर आदमी था, और चुबुकोव भी चाहता है कि उस नटालिया जो उसकी बेटी है वो लोमोव से प्यार करे, मतलब लोमोव के साथ शादी करे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव। लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव। लोमोव जो है चुबुकोव का क्या था, यहाँ पे चार ऑप्शन है, नेवर, फ्रेंड, इनेमी, सिस्टर। अब यहाँ पे आपको बताए थे बहुत अच्छे दोस्त था वो दोनों, बेस्ट फ्रेंड भी था, और यहाँ पे क्या है, नेवर भी है। तो यह इस दोनों में जो आंसर आए, यहाँ पे ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको टिक करना है, नेवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। चुबुकोव का डॉटर कौन था, बेटी कौन थी, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नटालिया सही आंसर। दोस्तों इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स का वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके अच्छे से एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, आपको अच्छे से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लोमोव इज डैश ईयर ओल्ड। लोमोव कितने साल का था, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक आंसर राइट होगी। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 ईयर ओल्ड, यानी लोमोव जो था कितने साल का था, 35 साल का। अगर हम लोग वही नटालिया के बारे में आप बात करें, नटालिया कितने साल की थी, तो 25 साल की। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर, इसमें बोला जा रहा है एंटन चेकव बिगिन हिज करियर बाय राइटिंग डैश। यहाँ पे चार ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, मतलब एंटन चेकव जो है अपने करियर की शुरुआत क्या चीज लिखने से की है, ड्रामा, पोइट्री, या फिर कॉमिक स्क्रेच, या फिर नॉवेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमिक स्क्रेच, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, एंटन चेकअप वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। एंटन चेकअप जो है प्रोफेशन से क्या था, प्रोफेशन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, एंटन चेकअप जो है अपने प्रोफेशन से क्या थे, वो जो है डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है नटालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मेडोज। यहाँ पे जो है नटालिया और कौन जो है ऑक्स मेडोज के लिए जो है लड़ रहे थे, मतलब बैल के घास का मैदान जो होता है उसके लिए लड़ रहे थे, कौन, नटालिया और कौन, यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगी 6 का, ऑप्शन नंबर बी, नटालिया और लोमोव लड़ रहे थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे 7 9 क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हु वाज द यंगेस्ट अंट ऑफ लोमोव। हु वाज द यंगेस्ट अंट ऑफ लोमोव। लोमोव की सबसे छोटी आंटी कौन थी, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, नस्टालिया, यहाँ पे नटालिया नहीं, नस्टालिया, याद आपको रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 नंबर, इसमें बोला जा रहा है आर के नारायण हैज रिटन, आर के नारायण क्या लिखे हैं, ये चार ऑप्शन है, कौन जो है आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान, या फिर सावित्री। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण के द्वारा द गाइड लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, इसमें बोला जा रहा है ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। ए मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया है,
तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन लिखे हैं, एंटन चेकफ, पर्लेस बर्क, एची ब्रिट्स, दोरोथी एल सैरस। तो आंसर यहाँ पे 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेकफ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब 10वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, डैश वॉज ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन जो है रसिया के नाटककार और लघु कथाकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कौन रसिया के। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे चार ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, एंटन चेकअप, पर्लेस वर्क, बर्टन रसेल और सेगानोया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा, एंटन चेकअप। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 11 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है हाउ ओल्ड इज नटालिया, नटालिया कितने साल की थी। तो अभी जस्ट हम आपको ऊपर बतलाए थे ये क्वेश्चन के बारे में, नटालिया कितने साल की थी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 ईयर ओल्ड। और अगर वहीं पे जो है लोमोफ के बारे में बात करें तो वो 35 साल का था। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इसमें बोला जा रहा है हाउ डिड चुबुकोव रिएक्ट वैन ही कम्स टू नो डैट लोमोफ वॉन्ट टू मैरी नटालिया। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, चुबुकोव कैसा रिएक्ट करता है जब उसे पता चलता है कि लोमोव जो है नटालिया से शादी करना चाहता है, चुबुकोव कैसा रिएक्ट करता है, हैप्पी, सैड, एंग्री और थॉटफुल। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैप्पी। वो जो है खुश होता है ये जान के कि लोमोव जो है नटालिया से शादी करना चाहता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 13, और इसमें बोला जा रहा है एंटन चेकफ वॉज बॉर्न इन, एंटन चेकफ का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1860 को इनका जो है जन्म हुआ था एंटन चेकफ का। अगर आपको डेट भी अगर याद रखना है तो आप रख सकते हैं 29 जनवरी को हुआ था 1860 में, और कहाँ पे, रसिया में इनका जन्म हुआ था, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 14, और इसमें बोला जा रहा है एंटन चेकफ, वैन डिड एंटन चेकफ डाई, मतलब एंटन चेकफ का निधन कब हुआ था। तो अगर आपको इसमें अगर अच्छे से डेट के साथ याद रखना है तो ये भी आप रख सकते हैं, कब हुआ था, 15 जुलाई, कब, 15 जुलाई 1904 को जो है इनका निधन हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, डी राइट आंसर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी भी तरीके से जमीन कब्जा कर लेता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंड ग्रैबर यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमीन हड़पने वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर का, बाकी आपको सभी चैप्टर्स का जो है वीडियो लेक्चर अपलोड है इस चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से एक एक चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा।